तो भाई लोग पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का जो मैच नंबर 21 है ना, इसमें मुल्तान सुल्तान के सामने होगा पेशावर जालमी, यानी एक तरफ रिजवान दूसरी तरफ बाबर। तो भैया आज के इस मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा कर ले जाएगी, मुल्तान रिजवान की टीम सुल्तान बन पाएगी या बाबर की टीम बनेगी जालमी? चलो हम आपको बताते हैं एनालिसिस करने के बाद। वैसे हम बात करें पीएसएल 2024, जो पिछला मैच इनके बीच में खेला गया था ना, काफी क्लोज मैच हुआ था, 5 रन से पेशावर जालमी ने मुल्तान सुल्तान को रौंद दिया था। तो क्या आज के भी मैच में ऐसा ही होगा या फिर मुल्तान बोलेगा ना ना ना, इस बारी तो सुल्तान हम ही बनेंगे? वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक 14 मैच खेले गए, 14 मैच में से 10 मैच जीता मुल्तान सुल्तान ने, बस 4 मैच जीता है पेशावर जालमी। यानी जो पेशावर जालमी की टीम है ना, बिल्कुल फिसड्डी साबित होती है मुल्तान सुल्तान के सामने। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें रावलपिंडी के मैदान पे मैच खेला जाएगा, तो इससे पहले इस मैदान पे दोनों टीमों का एक बार आमना सामना हुआ, उसे मुल्तान सुल्तान जीता। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने 4 मैच जीता, पेशावर जालमी ने बस 1 मैच जीता जो पिछला जीता। अगर पिछले मैच को हटा दिया जाए, ओवरऑल हर जगह मुल्तान की टीम पेशावर के सामने सुल्तान बनी जाती है, तो क्या फिर से ऐसा होगा? चलो एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं। बस उससे पहले ना बस छोटा सा काम कर दो, छोटा सा काम कुछ यूं है, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, तो यार भाई का सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना, कर दिया बहुत बढ़िया। तो सभी भाई लोग को तो पता है ना 22 मार्च से आईपीएल यानी इंडिया का त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, तो आईपीएल के सभी मैचों की जो सबसे जबरदस्त क्वालिफाइड एक्शन है ना, वो सिर्फ भाई के टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अफसर प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, अगर आपको आईपीएल के सभी मैचों की जबरदस्त क्वालिफाइड एक्शन चाहिए तो भाई का टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अगर हम इस मैच की बात करें तो ये जो मैच है ट्यूजडे 5 मार्च इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के मैदान पे। पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात ही ना करेंगे कि मैच नंबर 17 से मैच नंबर 21 तक बीच में एक मैच कराची के मैदान पे खेला गया, बाकी सारे रावलपिंडी के मैदान पे खेले जाएंगे, जिसमें से 2 मैच बारिश की वजह से हो भी नहीं पाया। तो मैच नंबर 17 में ही ना मैंने पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी रावलपिंडी के पिच के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर आपने नहीं देखी, आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानना है, तो मैच नंबर 17 का जो पिच रिपोर्ट वाला पोर्शन है वीडियो के अंदर ना, वो जाके देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब जानते हैं यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की। तो भैया मोहम्मद रिजवान की बात करते, 1-2 मैच छोड़कर सभी मैचों में रन बनाते हुए आ रहे, इनकी कहानी हमेशा होती है कोई चले ना चले रिजवान बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन इस बार रिजवान अकेले परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, रीजा हेनरिक्स लगातार सभी मैचों में परफॉर्मेंस करके आ रहे। मुझे लगता है एक आधा मैच में रीजा हेनरिक्स के बल्ले से रन ना निकले, नहीं तो सभी मैचों में पिछले 2-3 मैचों से उस्मान खान को मौका मिला तीसरे नंबर पे, एक मैच में 95, तो भैया अगले मैच में शतक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो उस्मान खान जैसी होनी चाहिए। पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत खुश हो रहा होगा, चलो बाबर रिजवान ओपन करेंगे तीसरे नंबर पे, अभी उस्मान खान को खिलाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी है भाई साहब। तो उस्मान खान की बात कर रहा था, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे खिलाएगा, माई बैट, क्योंकि ये यूएई की नागरिकता ले चुके हैं, तो अभी एज ए फॉरन प्लेयर ये खेल रहे हैं, जब फॉरन प्लेयर खेल रहे हैं तो पाकिस्तान पछता रहा होगा, अभी इसको क्यों जाने दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, तैयब ताहिर पे आते हैं। तैयब ताहिर 2-3 मैच से ये भी खेल रहे हैं, जब जब बल्लेबाजी आती है तैयब ताहिर भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, रन बना रहे हैं। इफ्तिखार अहमद की बात करते, इनको एज ए फिनिशर रखा गया है, सभी मैचों में फिनिश करने की बारी तो आती नहीं, लेकिन जब भी आ रही है पीएसएल 2024 में सभी मैचों में बढ़िया फिनिश कर रहे हैं। खुशदिल शाह की बात करें तो पहले मैच में थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी कराई गई थी, उसमें 28 रन की पारी खेली थी 13-14 बॉलों में, उसके बाद बल्लेबाजी कमी आई है, लेकिन सभी ओवर में 1-2 ओवर करते हैं या 3 ओवर करते हैं, उसमें एक आधा विकेट जरूर निकाल के लाते हैं, तो अपना काम खुशदिल शाह भी कर रहे हैं। बाकी क्रिस जॉर्डन को पिछला मैच खिलाया गया, तो क्रिस जॉर्डन ने भी 1 विकेट निकाल के बढ़िया गेंदबाजी करी, ज्यादा विकेट तो ना मिले लेकिन किफायती तो रहे। डेविड विली की बात करें तो न्यू बॉल से जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक मैच में थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी कराई थी तो वहां पे भी थोड़ा योगदान दिया था, बाकी गेंदबाजी तो इनकी बहुत अच्छी चल रही। ओसामा मीर की बात करें तो ओसामा मीर ने भाई साहब क्या गेंदबाजी करी है पूरे पीएसएल 2024 में, छा गए भाई साहब, मतलब 2-3 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, भैया गेंदबाज हो तो ऐसा होना चाहिए। मोहम्मद अली की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद अली एक फाइटर थे जो बहुत बड़ी बड़ी फाइटें जिताई थी, तो ये डेब्यू किया है इस साल पीएसएल में, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है यार, सभी मैचों में 2-3 विकेट जबरदस्त, और 1-2 मैचों से 3 मैचों से फैसल अकरम को मौका मिला, तो ये भाई साहब भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलब मुल्तान सुल्तान के खेमे में जो भी आता है,
झंडा लहरा देता, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा। तभी जो इन्होंने अपने 7 मैच खेला ना उसमें 6 जीता, बस एक हारा। हारा किससे है? पेशावर से, और पेशावर के सामने इनका मैच भी है। तो चलो थोड़ा सा पेशावर की बात कर लेते हैं। तो भैया पेशावर के किंग कौन है आपको पता है? बाबर आजम। अगर रिजवान सवा है तो बाबर आजम सवा शेर है, आपको भूलना नहीं चाहिए। और इनकी भी जो फॉर्म है ना बहुत जबरदस्त है, मतलब रिजवान से ज़्यादा रन बना चुके पीएसएल 2024 में और लगातार बनाए जा रहे हैं। सैम अयूब की फॉर्म थी नहीं, वो भी वापस आ गई है। सैम अयूब की फॉर्म आने का मतलब है जो शुरुआत देंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देंगे। वहीं मोहम्मद हैरिस, इनकी फॉर्म का थोड़ी सी तलाश है कि अगर इनकी फॉर्म आ जाए तो ये बल्ले बल्ले हो सकते हैं किसके, पेशावर जालमी के। क्योंकि अगर ऊपर के ये 3 चले ना तो बाकी बल्ले के बाजों की जरूरत भी नहीं है। हालांकि हसीबुल्ला खान को उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है तो इनकी मैं बोल रहा ना जरूरत भी ना पड़ेगी अगर ऊपर के 3 बल्लेबाज चल गए, क्योंकि वो इतने रन मार देंगे ना सामने वाले डूब जाएंगे उसमें। उसके बाद रोमन पॉवेल तो है ही, रोमन पॉवेल आपको पता जब ये फिनिश करने पे आते हैं अगर इनका बल्ला चलता है तो 15-20 बॉल में 40-50 रन आ ही जाते हैं। फॉर्म में भी हैं, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में। आसिफ अली को उतने मौके मिले नहीं, जब भी मौके मिले शुरुआत मिली 20-22-25 की पारी खेली लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो पेशावर की बल्लेबाजी है ना वो तो बहुत खतरनाक दिख रही है और खतरनाक फॉर्म में लगभग है भी। एक आता दो बल्लेबाज को छोड़कर बाकी सब बढ़िया कर रहे हैं। पॉल वॉल्टर अभी तो गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं, ये भी खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं जो कि अभी उतने मौके मिले नहीं और उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, लेकिन गेंदबाजी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं पॉल वॉल्टर। लूकिड की बात करते, लूकिड भी सभी मैचों में विकेट निकाल रहे हैं, भले ही थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं लेकिन विकेट सभी मैचों में निकाल के लेके आ रहे हैं। वहीं नवीनुल हक की बात करते, नवीनुल हक T20 के कमाल के गेंदबाज है। आप सबको पता है जो इनकी वेरिएशन होती है, जो इनकी गेंदबाजी होती है ना T20 में, अच्छे अच्छे को धराशायी कर देती है। आरिफ याकूब थोड़ा सा लेट इनको लगता है पीएसएल में मौका मिला, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब से खेल रहे हैं 5 विकेट 6 विकेट, मतलब बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इनको छक्का तो पड़ता है लेकिन छक्के के साथ साथ जितने छक्के मारोगे उतने विकेट निकाल के देते हैं ये। बाकी सलमान इरशाद की बात करो तो सलमान इरशाद को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इनको ज़्यादा पहचान मिलती नहीं है, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ पीएसएल खेलते हैं सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी भी, असीबुल्ला खान बीच में थोड़ा सा निराश कर रहे हैं, बीच में एक आता गेंदबाज नहीं, तो इन पेशावर जालमी की जो परफॉर्मेंस है ना चाहे बल्ले की बात कर लो या गेंद से बात कर लो हर जगह बेहतर ही है। तो चाहे मुल्तान की बात कर लो पेशावर की बात कर लो दोनों टीमें बढ़िया कर रही हैं, दोनों टीमें सामने हैं, तो कौन सी टीम मैच जीतेगी आपका भाई बताएगा ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, बस उससे पहले जल्दी से एक काम करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक। अपने भाई के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना, कर दिया यार बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है ना वो 50-50 है, 50 मुल्तान सुल्तान एंड 50 पेशावर जालमी। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना पेशावर जालमी अपने नाम पर कर सकता है, लेकिन जो फाइनल वाली प्रेडिक्शन है मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। बाकी आपको पता है ना IPL 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो IPL के सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, IPL के सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन चाहिए तो भाई का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।